आप सभी साथियों को सबसे पहले जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं आपके बीच एक जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं और एक सबसे बड़ी जानकारी लेकर आया हूं। तो साथियों, आप इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दी घंटी जरूर दबाएँ, जिससे कि बहुजन समाज से जुड़ी खबर आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहेगी। साथियों, आज आप वीडियो का थंबनेल देखकर सोच रहे होंगे आखिर ये कैसी वीडियो होने वाली है। साथियों, आज मैं आपको एक कुछ ऐसी बातें बताने के लिए आया हूँ जो कि आगामी जो कि आने वाले चुनाव में विधानसभा के 2022 में उत्तर प्रदेश में है, उनमें सपा बसपा यानी समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी एक साथ नज़र आ सकते हैं। ऐसा संकेत साथियों मैं नहीं दे रहा, ऐसा संकेत अखिलेश यादव जी व बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने दिया है, अगर आप समझे होंगे तो। साथियों, अगर नहीं समझे तो हम आपको इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो साथियों, जो कि अखिलेश यादव जी दो न्यूज़ चैनलों पर जाते हैं, जब उनसे सवाल किए जाते हैं कि वो अखिलेश यादव जी जवाब देते हैं, वो जवाब हम आपको सुनवा तो नहीं सकते पर हम आपको बता तो ज़रूर सकते हैं। साथियों, अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि जितनी दूरी हमारी बीजेपी से है यानी भारतीय जनता पार्टी से, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जितनी दूरी है उतनी ही दूरी कांग्रेस से है। ये जो अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस व बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेगी, ऐसा संकेत अखिलेश यादव जी ने दिया है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है साफ साफ जितनी दूरी हमारी भाजपा से है उतनी दूरी कांग्रेस से है। अब साथियों, बात आती है। साथियों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अखिलेश यादव जी के दो तीन दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो कि बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाते थे कि बीजेपी की एजेंट हैं, अलग अलग आरोप लगाते थे बसपा सुप्रीमो मायावती जी पर कुछ लोग, तो उनका भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने खुलासा किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बोला था कि मैं जो कि भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करूंगी। ऐसा बीएसपी सुप्रीमो ने मायावती जी ने बिल्कुल साफ साफ बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो, अगर नहीं सुनी हो तो आप जाकर जरूर सुन लें। तो साथियों, अब आप जो कि मायावती जी व अखिलेश यादव जी की बातों पर गौर दें, अखिलेश यादव जी और वह मायावती जी ने भी साफ, अखिलेश यादव जी ने बोला कि कांग्रेस व बीजेपी से मेरी दूरी है और दूरी ही बनी रहेंगी, और मायावती जी ने बोला बीजेपी व कांग्रेस के साथ कभी भी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। तो साथियों, अब सवाल ये बनता है अगर आगामी चुनाव में ये दोनों या गठबंधन कर सकते हैं या नहीं, ये साथियों देखने के लिए होगा। मैंने साफ स्पष्ट नहीं करता हूँ इस वीडियो में कि ये दोनों गठबंधन कर सकती हैं पार्टी, पर हो सकता है कि ये कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बातों से हमें नज़र आ रहा है। ऐसी हमें कुछ बहुजन समाज के लोगों ने राय भी दी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, और ये भी बताएं कि सपा बसपा एक साथ हो सकते हैं या नहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में, ये भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में दी घंटी को जरूर दबाएं, और चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए चैनल को ज्वाइन करें और लेवल आएंगे लेवल सिलेक्ट करें, जैसा आपसे बने उस तरीके से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे कि ये चैनल मजबूत बनके निरंतर तरीके से आगे तक बहुजन समाज की आवाज़ उठाता रहेगा। जय भीम जय भारत। फिर मिलते हैं।